हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, मैं कार्तिक स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और इस वक्त देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे दरी बिछा हुआ था जबकि फ्रेंड हर्षु ने पानी गिरा दिया कार्तिक स्कूल के बटर से, वो सारा दरी गीला हो गया। सुनो, जाना है 4 बजे जाओगे? 4 बजे तो फ्रेंड 4 बजे हर्षू पूछ रहा मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, तो मैंने बोला नहीं जाना है। तो हर्षू का देख सकते हैं बैग छोटू सा रखा है, तो फ्रेंड चलते हैं यहाँ पे हम पोछा लगा देते हैं। और उसके फ्रेंड आज मेरे को जाना है मदनगिरी मार्केट, क्योंकि फ्रेंड बच्चों के फ्रूट वगैरह नहीं है, वो मुझे लेके आना है। केला वगैरह खत्म है जो कि मुझे भी चाहिए होता है फ्रेंड, इसलिए चलते हैं। हर्षू को भी केला चाहिए होता है और चलते फ्रूट लेके आने हैं मार्केट से। और फ्रेंड चलते हैं यहाँ पे लगा लेते हैं हम पोछा। और उसके बाद में कार्तिक भी देख सकते हैं स्कूल से आने के बाद नहाया है, अभी जस्ट नहाया है, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं पोछा लगा लेते हैं, फिर चलते हैं अपने घर पे, रेनू होगी वहाँ से, उससे मिलते हैं चल के। और फ्रेंड आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, देखिए कार्तिक गया हुआ है हर्षू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और फ्रेंड मैंने लगा लिया पैक, तो फ्रेंड ये लगाया मैंने ब्राउन हल्दी का पैक, जो कि फ्रेंड मेरा बहुत ही मन कर रहा था कई दिनों से लगाने का, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फ्रेंड अभी हर्षू को छोड़ने गया कार्तिक ट्यूशन, और ये मैंने फटाफट मैंने हल्दी भून के रखी हुई थी फ्रेंड, जो कच्ची जो हल्दी होती है ना पिसी वाली, उसको भून कर मैंने रखी थी, बट वो हल्दी मुझे नहीं मिली। मेरे को 10-15 मिनट उसको ढूंढने में लग गया। फिर मैंने क्या किया, फटाफट गैस जलाई और तवे पे हल्दी भूनी और लगा लिया पैक, जो कि फ्रेंड देख सकते हैं। इस हल्दी में मैंने गुलाब जल डाला, कच्चा दूध, बस दो चीज़ें डाल के फटाफट अपने मुँह पर अप्लाई कर लिया। और फ्रेंड सूखने का वेट करते हैं इसका, और सूखने के बाद में देखते हैं कैसा ग्लो आया है कैसा नहीं। फ्रेंड उसके बाद चलेंगे हम घर पे, और हर्षू को लेके आ जाएगा कार्तिक ट्यूशन, 5:30 बजे आएगा। तब तक की तो फ्रेंड मुझे मदनगिरी मार्केट जाना है, क्योंकि फ्रेंड बनाना नहीं है, वो लेके आने मैंने आपको बताया है। हर्षू तो फ्रेंड आने के बाद में एक बार जाने में मन नहीं करता, देखते क्या डिसाइड करते हैं जाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड चलते इसका सूखने का वेट करते हैं, तब तक आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। सर दोस्तों देख सकते हैं मैंने फेस जो है वॉश कर लिया है, और फ्रेंड लग रहा है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, थोड़ी सी शाइनिंग आ गई चेहरे को, थोड़ी सी चमक आ गई है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कार्तिक चला गया है गली के बाहर, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड जा रहा है ना, तो कार्तिक चला गया। तो फ्रेंड चलते हैं, थोड़ा सा हम रेडी हो जाते हैं, कंघी तो हमारी हो रखी है, एक बार फिर भी कंघी कर लेते हैं और क्रीम व्रीम लगा के रेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा फेस जो है येलो येलो, क्योंकि फ्रेंड टर्मरिक थी ना इस वजह से, उसमें हल्दी थी इस वजह से। तो फ्रेंड चलते हैं फटाफट, हम रेडी हो जाते हैं फिर चलते हैं, अगर टाइम होगा तो हम चले जाएंगे मदनगिरी मार्केट, और फिर जो भी सामान की हमें जरूरत है वो लेके आते हैं फटाफट। तो फ्रेंड चलते फटाफट हम रेडी हो जाते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं मैं फटाफट रेडी हो चुकी हूँ, और फ्रेंड चलते वही सूट पहना हुआ है मैंने, जो कि फिर सुबह पहन के गई थी, क्योंकि सूट भी गंदा नहीं था, इस वजह से चलते फटाफट कपड़े उतार लेते ऊपर जो हमारे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। तो फिर चलते फटाफट कपड़े उतारते हैं, गेट खुलता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं ही छत पे कपड़े उठाने के लिए, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड वो मेरी वैक्सी पड़ी है, एक तरी है वो पड़ी है। तो फ्रेंड सन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सनलाइट पड़ रही है, और मेरा गमछा जो है देख सकते फ्रेंड नीचे गिरा पड़ा है। तो फ्रेंड गमछा उतारते हैं, कबूतर भी बैठे हैं ऐसे ही इधर झाड़ू मिल। तो चलते फटाफट, वो हमारी मैक्सी पड़ी है और फ्रेंड ये हमारी दरी पड़ी है, ये दरी पड़ी इस वजह से मैं उठाने के लिए। फ्रेंड चलते फटाफट कपड़े उठा लेते हैं और फटाफट चलते रेनू के पास में, क्योंकि फ्रेंड कार्तिक पहुंच भी गया होगा। आप लोग ब्लॉक में बने रहिए, देख सकते हैं अभी तो टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, तो चलते मार्केट। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कैमरा बैक करके, सनलाइट कितना अच्छा पड़ रहा है ना, बहुत ही अच्छा व्यू है, और देख सकते हैं बिल्कुल उधर मैक्सी पड़ी है हमारी, ये देख सकते हैं इधर दरी डाला हुआ मैंने। बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं ना, इसमें मैंने चाय पत्ती रखी फ्रेंड, जो चाय पत्ती चाय बन जाता है ना उसके बाद का है, जो कि खाद के तौर पे हमें इसमें इस्तेमाल करना है। इधर ये दरी आ रही है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो फ्रेंड ज़्यादा गीला हो गया था इस वजह से मैंने इसको छत पर धूप लगाने के लिए रखा। तो फ्रेंड चलते हैं, सनलाइट तो बहुत अच्छा है, इधर देख सकते हैं कबूतर भी बैठा हुआ है ना, आपको कैमरा बैक करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते कबूतर पड़ा बैठा हुआ है बड़े आराम से, और सनसेट बहुत अच्छी पड़ रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है सनसेट व्यू, देखिए कितना प्यारा है सनसेट का। ये देख सकते दूसरा कबूतर भी आ गया है, ये देख सकते हैं सनसेट कितना अच्छा था। फ्रेंड चलते हैं फटाफट, कुछ ऐसा नज़ारा हमारे उधर का, तो आप लोग में बने गए बिल्कुल। तो दोस्तों मैंने उठा लिया अपने कपड़े, देख सकते मेरे हाथ में दरी भरी, और फ्रेंड चलते हैं अब स्केट काम कर देते हैं बंद, स्केट को कर देते हैं बंद।
तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बाकी जो है रेणु के पास जाने के बाद में उससे हालचाल पूछेंगे। फ्रेंड उसकी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, उसको खांसी जुकाम फीवर हो रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, रेणु से मिलवाऊंगी आप लोगों को। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड आज है वेडनेसडे, तो फ्रेंड कार्तिक गया अभी स्कूल और हर्षू भी सो रहा है, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड रजाई में है। हर्षू सो रहा है, थोड़ा सा हाथ दिख रहा है उसका, हाथ नहीं फ्रेंड, नहीं मेरा पैर है मेरा पैर है। हर्षू इधर सो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, हर्षू सो रहा है। और फ्रेंड आज कार्तिक स्कूल गया ना, तो मैं जब बालकनी पे खड़ी हुई थी ना, जब सो के उठे थे तब तो कोई मतलब कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा था, और जब कार्तिक स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, नीचे बाइक खड़ी थी और फ्रेंड इतना कोहरा गिरने लग गया, इतना कोहरा गिरने लग गया पूछे मत। तो फ्रेंड उसके बाद ना फिर मैं तो वॉशरूम चली गई और वो चला गया। आज से फ्रेंड इतनी ठंड बढ़ गई है पूछे मत। देखिए मैं तो हीटर जला के बैठी हूँ, मुझे तो चैन नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्रेंड मैं बाहर से आई हाथ पाथ धो के, तो मेरे तो हाथों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अभी मैंने कोई काम नहीं किया, खाली जो है नीचे का बिस्तर, चूँकि तो दरी बिछी हुई, तो खाली मैंने नीचे का बिस्तर समेटा था, मैंने बाकी का कोई काम नहीं किया। तो फ्रेंड मैंने फिर उसके बाद में चाय तो भी पी चुकी थी, पर मुझे चाय इतनी टेस्टी नहीं लगी, इसलिए फिर मैंने एक कप बनाई कॉफ़ी और अभी बैठे बैठे मैंने कॉफ़ी पी है, बस ग्लास नीचे ही रखा है। तो फ्रेंड कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी दोबारा, इस वजह से आज शूट कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपनी रेखा बहन को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड देखा फ्रेंड, दिसंबर के एंड होने वाला है, आज कितनी है 27 दिसंबर है आज, और टाइम हो रहा होगा करीब 7 बजकर मेरे ख्याल से, ज़्यादा ज़्यादा 10 या 15 मिनट हो रहा होगा। तो फ्रेंड अब स्टार्ट हुई, बल्कि 25 दिसंबर को तो इतना बुरा हाल होता था पूछो मत। तो फ्रेंड उस दिन तो नहीं हुआ, आज इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है। तो फ्रेंड देखा ना आपने कितनी ज़्यादा ठंड होने लगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए अपनी रेखा बहन को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बाय गाइज़।